आप अगर YouTube में वीडियोस अपलोड करते हो तो थंबनेल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और थंबनेल्स अच्छा अगर होगा आपका वीडियो में तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में क्लिक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स भी मिलने वाला है। लेकिन कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा थंबनेल आपका वीडियो के लिए सही होगा, और कैसे आपको थंबनेल को डिज़ाइन करना है, कौन सा कलर्स यूज़ करना है, कैसे उसको पिक करना है, ये सारे चीज़ आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो। क्योंकि मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो मैं खुद नहीं बताने वाला हूँ, वो YouTube मुझे बोला है कैसे मैं थंबनेल्स को चेक कर सकता हूँ, और कौन सा थंबनेल कौन सा वीडियो के लिए मुझको लेना चाहिए वो भी डिटरमाइन कर सकता हूँ। ये है मेरा YouTube स्टूडियो ऐप, और इधर आप देख सकते हो टॉप टिप्स फॉर योर थंबनेल्स, और ये चीज़ मुझे YouTube ने रिकमेंड किया है, और मैं कुछ भी इधर पे मेरे हिसाब से रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ये आपको भी फ़ायदा आने वाला है। आपको अगर टेक रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा चैनल पे। तो सबसे पहले ये मेरा YouTube स्टूडियो ऐप है, और अगर आप कोई भी YouTube वीडियोस अपलोड करते हो तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा YouTube स्टूडियो ऐप के बारे में, लेकिन ये शायद ही आपको दिखाई देगा, ये चीज़ मुझे YouTube रिकमेंड करता है। तो ओपन करते ही आप देख सकते हो थंबनेल्स हेल्प व्यूअर्स चूज़ यू, तो थंबनेल्स कैसा परफॉर्म कर रहा है मेरा वीडियोस का वो देखने के लिए बोल रहा है। तो मैं स्वाइप राइट कर रहा हूँ, और इधर आप देख सकते हो दिस थंबनेल्स आर वर्किंग वेल, तो कौन सा थंबनेल मेरा सबसे अच्छा काम कर रहा है वो दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो कोई भी थंबनेल जहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक हो और आपका फेस या जो सब्जेक्ट है वो अगर क्लियरली विजिबल होगा तो वो अच्छा कर रहा है। उसके बाद इधर दिखा रहा है कि मेरा थंबनेल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है थंबनेल क्रिएट करने के टाइम पे वो है क्लियर रहना और इजी टू रीड होना। कोई भी आप थंबनेल जब बना रहे हो आपका थंबनेल में सब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और किसके बारे में वीडियो है या फिर जो टेक्स्ट है वो भी बहुत ही आसानी से रीड कर सकते हैं लोग, ऐसा थंबनेल होना चाहिए। और इधर में आप देख सकते हो क्या लिखा है, थंबनेल्स चेंज साइजेस ऑन डिफरेंट डिवाइसेस सो यूज़ हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड टेक्स्ट। तो थंबनेल्स जो है आपका मोबाइल के लिए डिफरेंट दिखता है, आपका पीसी के लिए डिफरेंट दिखता है, और कोई कोई लोग टीवी में देखता है उसके लिए भी डिफरेंट सा थंबनेल दिखता है। तो हाई रेजोल्यूशन होना थंबनेल का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको दिखा रहा है कि जो थंबनेल्स मैं यूज़ किया हूँ क्या आपका ऑडियंस का क्यूरियोसिटी और क्लिक करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो उसको इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप देख सकते हो मेरा थंबनेल्स को सारे के सारे एक एक करके दिखा रहा है इधर पे, और मुझे समझ में आ रहा है कि क्या क्या मुझे इधर पे इम्प्रूव करना चाहिए। और इधर में दिखा रहा है मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो मैं स्टाइल यूज़ करता हूँ थंबनेल का वही स्टाइल का थंबनेल मुझे बनाना चाहिए। तो एक ही स्टाइल का थंबनेल हर एक वीडियोज़ में होना चाहिए, जैसे कलर सेम होना है, फेसेस फॉन्ट्स कुछ भी जो है सब सेम होना है। वो मेरे चैनल पे कुछ नहीं है अभी, जिसको मैं फिक्स करने वाला हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो सबसे बढ़िया जो टिप है कीप इट सिंपल, बहुत ही आसान रखना है सब कुछ। जितना आप आसान रखोगे उतना आपका ऑडियंस क्लियरली आपका थंबनेल दिखेगा, और क्लियरली दिखने के बाद उसको क्लिक भी करेगा। और ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है, जैसे मुझे देखना है कौन सा ऑडियंस कौन सा थंबनेल के ऊपर ज़्यादा क्लिक कर रहा है, और उसी के जैसे मुझे थंबनेल्स बनाना है। तो यही था थंबनेल्स के बारे में सारे सजेशंस, कैसे आप थंबनेल्स चूज़ कर सकते हो आपके वीडियोस के लिए, कैसे आप थंबनेल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हो। इधर में एक वीडियो भी है, जो वीडियो देख के आप नॉलेज ले सकते हो पूरा के पूरा थंबनेल डिज़ाइन के बारे में, और क्या क्या थंबनेल्स आपको चूज़ करने है मैक्सिमम व्यूज़ और क्लिक्स पाने के लिए आपका यूट्यूब चैनल में। तो यही मुझे दिखाना था कैसे आपको थंबनेल्स को चूज़ करना है, क्या क्या थंबनेल्स आप यूज़ कर सकते हैं आपके वीडियोस में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियोस लाता रहूँगा चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ रहे।